हर हर महादेव जय माता बच्चों सभी लोग जल्दी से बता देंगे साउंड क्लियर आ रहा है उनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया गया है आपकी क्लास का ठीक है अभी तक हम यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल आज कंप्यूटर फंडामेंटल से हटकर थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक पर आए इसका नाम क्या है टैली प्राइम आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली के बारे में टैली ईआरपी आर और टैली प्राइम तो ये टैली पर पहला वीडियो है तो सबसे पहले तो कमेंट में बताएंगे व्हाट इज द यूज़र्स ऑफ द टैली टैली का यूज किस लिए किया जाता है ठीक है जल्दी से लिंक को शेयर कर लें और बताएं व्हाट इज द यूज़र्स ऑफ द टैली टैली का यूज किस लिए किया जाता है चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में ठीक है बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और टॉपिक क्या है आज टैली ठीक टैली अगर पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ द टैली टैली का यूज कहां पे होता है टैली इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मेन्टेन द बिज़नेस रिकॉर्ड ठीक है टैली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किस लिए करते हैं बिज़नेस के रिकॉर्ड को मेनटेन करने के लिए करते हैं कहाँ कहाँ होता है जैसे जितने भी हमारे ऑफिस हो गए ऑफिस में यूज़ होता है बैंक में यूज़ होता है मेडिकल स्टोर पे यूज़ करते हैं मॉल में यूज़ किया जाता है सेल्स के बिल बनाने के लिए किया जाता है कितना सामान हमने बेचा है परचेस बिल मेंटेन करने के लिए किया जाता है कितना हमने खरीदा है पेमेंट किसी को हमने कितना भुगतान किया है रिसीव किसी से हमने कितना प्राप्त किया है एक्सपेंसेस कितना हमारा खर्चा हो रहा है इनकम कितनी हमको इनकम हो रही है प्रॉफिट लॉस कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है या कितना हमारे लॉस हो रहा है कितना बैलेंस शीट में हमारे पास है जी एस टी टी जी एस टी एच जी एस टी और आई जी एस टी मीन्स टैक्स को मेंटेन करने के लिए एसेक्ट्रा टी टी सी क्लियर हुआ बच्चों तो अगर बात करी जाए कि टैली का यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं तो टैली इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ योर बिजनेस दैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम अपने बिज़नेस के रिकॉर्ड को क्या करते हैं मैनेज करते हैं मेंटेन करते हैं जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को सीखते हैं ठीक है क्या क्या चीज़ें सीखते हैं जैसे ऑफिस के रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑफिस में अगर हमारा सामान कितना खरीदा जा रहा है कितने का बेचा जा रहा है कितनी इनकम हो रही है किस पार्टी से हमें कितना लेना है किस पार्टी को कितना देना है इन सारी चीज़ों को मैंटेन करते हैं बैंक में जैसे कि बैंक में कोई भी है व्यक्ति ठीक है उसका खाता है वो कितना पैसा अपने खाते में जमा कर रहा है या कितना निकाल रहा है बैंक के थ्रू किसी पेमेंट कर रहा है या बैंक के थ्रू किसी से पैसा प्राप्त कर रहा है या बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहा है इन सब चीज़ों को भी आप इसमें मेंटेन करते हैं टैली पे कर सकते हैं मेडिकल स्टोर में ठीक है जैसे आप जाते हैं दवा लेने आपको बिल देता है ठीक है तो इसमें हम लोग टैली मार्क बिजी जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं मॉल में होता है सेल्स के बिल्स बनाने में परचेस के बिल बनाने में पेमेंट बनाने में रिसीव के बिल बनाने में एक्सपेंसेस में कितना खर्चा हो रहा है इनकम कितना पैसा हमको मिल रहा है कंपनी हमारी प्रॉफिट पे जा रही है या लॉस पे जा रही है कितना हमारे पास बैलेंस में है कितनी जी एस टी सी जी एस टी हम पे कर रहे हैं कितनी एच जी एस टी दे रहे हैं कितनी आई जी एस टी दे रहे हैं कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में किस सॉफ़्टवेयर का यूज़ किया जाता है टैली का यूज किया जाता है इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक जल्दी से कमेंट्स में बता देंगे इतना क्लियर है दे लीजिएगा स्क्रीन शॉट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अब पूछा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टैली ईआरपी टैली ईआरपी का पूरा नाम क्या होता है T so for Total A for Accounting L for Leading Second L for List Y for Year E for Enterprises आर फॉर रिसोर्स टी फॉर प्लानिंग वट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टेली आर पी टेली आर पी का मतलब क्या है हम क्या कहेंगे टी फॉर टोटल ए फॉर अकाउंटिंग एल फॉर लीडिंग फॉर लिस्ट वाई फॉर ईयर फॉर इंटरप्राइजेस आर फॉर रिसोर्स पी फॉर प्लानिंग क्लियर हुआ इतना राधे बेटा तो टेली जो सॉफ्टवेयर है ठीक है उसका मतलब क्या है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग पूछा जाए किसने उसको डेवलप किया था Developed by दो नाम आप याद रखेंगे एस एस गोनेका दूसरा नाम आप याद रखेंगे भरत गोनेका जो टेलीसॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो किसने किया था एस एस गोनेका और भरत गोनेका ने मुझे हिस्ट्री समझ लोगे अच्छे से याद हो जाएगा देखो इन दोनों के बीच में संबंध क्या था भरत क्या कहते सन ऑफ एस एस गोनेका एस एस गोनेका के पुत्र का नाम था भरत गोनेका इन्होंने अपनी एक कंपनी थी पेट्रॉनिक्स कंपनी उस कंपनी के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसका नाम था टैली उसमें इन्होंने अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया और फिर उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर को सेल करना शुरू कर दिया तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द डेवलपर या हु इज़ द फादर ऑफ द टेली सॉफ्टवेयर वी कैन से फॉर द एस एस गोनेका एंड भरत गोनेका एस एस का पूरा नाम क्या होता है श्याम सुंदर गोनेका क्या होता है श्याम सुंदर गोनेका अब जब आप कभी जाते हैं ठीक है इंटरव्यू देने इसलिए टैली की जॉब पर कहीं काम करने जाते हैं तो आपसे दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं एक जो आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है तो टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग डेवलप किसने किया था एस एस गुनेका और भरत गुनेका ने इसके बाद पूछा जाता है टैली और अकाउंटिंग में अंतर क्या है वाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैली एंड अकाउंटिंग टैली और अकाउंटिंग के बीच में अंतर क्या है तो सेम वही अंतर है जो हमारा किसमें है वी कैन से टाइपिंग वर्सेस राइटिंग क्लियर जिसमें हम कह सकते हैं टाइपिंग और राइटिंग जो टाइपिंग होती है वो कैसे की जाती है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं क्लियर है जो राइटिंग की जाती है वो किसमें की जाती है रजिस्टर पे की जाती है टाइपिंग किसमें की जाती है कि किसमें किया जाता है रजिस्टर पे किया जाता है तो लोग किसका यूज़ करते हैं रजिस्टर सेम सेम यही यही चीज़ चीज़ ये है है जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को कंप्यूटर पे मेंटेन करता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है टैली कहलाता है जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं टैली कहते हैं और जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को किसी भी रजिस्टर पे मेंटेन करता है तो उसे क्या कहते हैं उसे अकाउंटिंग कहते हैं क्लियर हुआ जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कराता है या करता है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है टैली ठीक है और उसी रिकॉर्ड्स को अगर वो रजिस्टर पे मेंटेन कराता है या करता है तो उसे क्या कहते हैं अकाउंटिंग कहते हैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गुड आफ्टरनून ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स शॉट्स आज एम सी क्यों नहीं होंगे आप क्या टेली के बारे में बात होगी याद रखिएगा अब इसके बाद जैसे हम टैली पे वर्किंग पे आते हैं ठीक है अभी थ्योरिकल बहुत सारा है इसमें ठीक है जैसे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ठीक दे आर द फोर टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस चार प्रकार की ब्रांचेस यूज होती हैं फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट और टैक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट और टैक्स ठीक है लेकिन हम भी पेटकल पे आते हैं जब हम लोग टैली पे कहीं काम करने जा रहे होते हैं तो जैसे हम टैली को ऑन करते हैं ठीक है सबसे पहले हमारा जो सामना होता है वो किससे होता है कंपनी इन्फो से होता है किससे होता है कंपनी इन्फो से किससे होता है वेन यू ओपन द टैली जब हम टैली को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कौन से ऑप्शन आते हैं कंपनी इन्फो आते हैं ठीक है और कंपनी इन्फो में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं सबसे पहला आता है सेलेक्ट कंपनी उसके बाद आता है सट कंपनी के बाद आता है क्रिएट कंपनी क्रिएट कंपनी के बाद हम लोग के पास आता है अल्टर फिर ऑप्शन आता है क्रिएट अ ग्रुप कंपनी अ ग्रुप कंपनी क्लियर है इतना कौन कौन से आते हैं सेलेक्ट आता है सर्ट आता है क्रिएट आता है अल्टर आता है क्रिएट ग्रुप आता है जो जो बच्चे यहाँ पे लाइव में अभी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो भी अपने मन से टाइप करते जाएं कमेंट में ठीक है ताकि उनको याद होता जाए इसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है जल्दी से टाइप करिएगा बताइएगा आपकी बार ये क्रिएट ग्रुप कंपनी के बाद हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करते हैं लिखिएगा है कमेंट में जल्दी से तो हम एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं उसके आगे का नोट कर रहे हैं स्प्लिट कंपनी टाटा बैकअप रे स्टोर चलिए बताया आपने कमेंट में ठीक है कौन सा ऑप्शन छूटा है जल्दी से बताएंगे जो ऑप्शन छूटा है उसका नाम है चेंज टेलीवाल्ट चेंज

देखिए जब हम लोग टैली को यूज़ कर रहे होते हैं तो जब टैली को हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले किस पे आते हैं कंपनी इन्फो पे आते हैं तो कंपनी इन्फो पे आने के लिए हम लोग एक कीस का यूज़ करते हैं जैसे जब आप टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने खुलती है गेट ऑफ टैली क्या खुलता है गेट ऑफ टैली की स्क्रीन खुलती है उस गेट ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पे आने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं और कंपनी इन्फ़ो से गेटवे ऑफ टैली पे आने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं जल्दी से बताएंगे कौन सी के इसका यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा अगर हमको किससे किस पे आना है अगर हम गेटवे ऑफ से कंपनी इन्फो पे आना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे अल्ट प्लस एफ थ्री की का यूज़ गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पे आने के लिए किसका यूज़ करते हैं अल्ट प्लस एफ थ्री का यूज़ करते हैं गेट वे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पे आने के लिए अल्ट प्लस एफ थ्री का यूज़ करते हैं और कंपनी इन्फो से गेट वे ऑफ टैली पे वापस आने के लिए की का यूज़ करते हैं दो चीज़ सबसे पहले आपको याद रखनी है क्या गेट वे ऑफ टैली से स्विच करके कंपनी इन्फो पे आना है देन वी कैन यूज़ फॉर द अल्ट प्लस एफ थ्री और कंपनी इन्फो से हमें किस पे वापस जाना है गेट वे ऑफ टैली पे वापस जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे की का अब हम लोग इन ऑप्शन के यूज आज देखेंगे ठीक है और नेक्स्ट वाली क्लास पे कैसे करते हैं ये भी देखेंगे तो पहले आप इतना जितना बता रहे हैं इसको लर्न करिएगा अपने नोट्स बुक पर राइट करिएगा ताकि आपको जब पेटिकल इसका बताया जाए तो आपको क्लियर हो जाए एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाए देखो तो पहला ऑप्शन क्या है सेलेक्ट कंपनी सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट कीज होती है F1 इसको शॉर्ट में समझने के लिए हम कह सकते हैं ओपन सेलेक्ट कंपनी इज यूज टू ओपन योर क्रिएटेड कंपनीज क्लियर जो कंपनी पहले से हम टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर चुके हैं पहले से हम बना चुके हैं उन्हें ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सेलेक्ट कंपनी का जैसे मान लीजिए हमने राधे प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली है क्लियर और दो दिन बाद जब हम काम करने आए उस कंपनी पे और हमें उस कंपनी की जरूरत है तो उस कंपनी को लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे सेलेक्ट कंपनी का तो सेलेक्ट मतलब क्या होता है चुनना ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप गए आपने कंपनी बना के रखी है राम प्राइवेट लिमिटेड एस सी एल प्राइवेट लिमिटेड बी पी एल ठीक बी पी एल का मतलब बताइएगा कमेंट में तो जैसे हमने यहाँ पे कई कंपनी ओपन करके रखी थी अब हमको हमारे पास बॉक्स में ये था यहाँ से हमें कोई कंपनी चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे सेलेक्ट कंपनी का क्लियर हुआ जो कंपनी पहले से कंप्यूटर में बनी हुई है उनमें से किसी एक कंपनी को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सेलेक्ट कंपनी का नंबर टू पे क्या है आपका सट कंपनी इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है आल्ट प्लस एफ वन क्लियर के लिए यूज करते हैं आल्ट प्लस एफ वन सट का मतलब पूछेंगे तो सट का मतलब आप कहते हैं सट योर माउथ अपना मुंह बंद करो सट द डोर दरवाज़ा बंद करो क्लियर सट डाउन योर पीसी अपना पीसी बंद करो ठीक है तो सट का मतलब क्या होता है बंद करना तो जो कंपनी हमारी ओपन है उस कंपनी को बंद करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे सट कंपनी का यूज़ करते हैं क्लियर डायरेक्ट करना होगा तो आप किस का यूज़ करेंगे अर्ट प्लस एफ वन का यूज़ करेंगे क्रिएट क्रिएट मतलब क्या होता है मेक कंपनी क्लियर यदि हम कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं क्रिएट कंपनी का अगर कंपनी बनाते समय आप डायरेक्टली सिर्फ कंपनी का नाम दे करके कंपनी को सेव करना चाहते हैं किस का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए क्लियर तो यदि हमने जैसे नाम दे दिया राधे प्राइवेट लिमिटेड बाकी इंफॉर्मेशन नहीं फिलअप करना चाहते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है ठीक है कंट्री क्या है ठीक है तो क्या करेंगे सिर्फ कंपनी का नाम देने के बाद आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए का अल्टर नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है अल्टर अल्टर के यूज़ेस तीन है चेंज एंड अच्छा स्क्रीन पर दिख रहा है मार्कर का कोई इशू तो नहीं है जो लिख रहे हैं हम बोर्ड पर वो आपको दिखाई दे रहा है एक बार जल्दी से ये क्लियर करिए कि आपको जो स्क्रीन पर लिखा जा रहा है उसमें कोई पेन का इशू तो नहीं स्क्रीन क्लियर समझ में आ रही है देखो बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या था अल्टर अल्टर के हमने तीन यूजेस आपको बताएँ एक तो है सी सी मतलब क्या है देखना जो इन्फॉर्मेशन हमने फ़िलअप कर ली है या किसी कंपनी को हमने ओपन किया और हमें देखना है कि इसका फ़ोन नंबर क्या है क्लियर है या इसने कौन सी कंट्री ली है कौन सी इन्फॉर्मेशन फ़िलअप करी है तो उन इंफॉर्मेशन को देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे अल्टर का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे अल्टर का यूज़ करेंगे ठीक है आप बोल नहीं रहे हैं तो आप टाइप करते जाएँ ठीक है कमेंट में हम किसका यूज़ करेंगे अल्टर का यूज़ करेंगे यदि कोई इन्फॉर्मेशन हम बदलना चाहते हैं या हमसे कुछ गलत हो गया जल्दी जल्दी में उसे हम बदलने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं टैली में अल्टर का यूज़ करते हैं ये अल्टर सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है अगर लेज़र बना रहा हो ठीक है कभी कभी लेज़र में होता है कि संडी क्राइटर लेना था और जल्दी में हमने संडी डेप्टर ले लिया है तो उसमें भी यही फॉर्मेट होगा अगर आपको लेज़र में भी कोई चेंजेस करने हैं तब भी हम किसका यूज़ करेंगे अल्टर का यूज़ करेंगे थिक? कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं अल्टर का और तीसरा क्या है डिलीट यदि हमें डिलीट करनी है अपनी कंपनी को अपने लेजर को अपने वाउचर को ठीक है तीन चीजें होती हैं तीनों में से किसी को भी आपको टैली में अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप जो शॉर्टकट कीज यूज करते हैं वो कौन सी होती है आल्ट प्लस डी की याद रखिएगा टैली में डिलीट करने के लिए डेल की का यूज नहीं होता है ठीक है आप ये मत सोचिएगा यदि हम टैली में यूज़ कर रहे हैं डेल की दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा नो ठीक है टैली में डाटा को डिलीट करने के लिए जो की बनाई गई है वो अल्ट प्लस डी बनाई गई है ठीक है वो आप चाहे कंपनी को डिलीट करिए ठीक है या आप किसी लेजर को डिलीट करिए क्लियर है या तो फिर आप किसी भी वाउचर को डिलीट करिए कुछ भी डिलीट करना है देन अल्ट प्लस डी का कर यूज़ करोगे तो अल्टर इज़ यूज टू डी द डू द चेंजेस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड डिलीट योर कंपनी ठीक है इतने चारों क्लियर हो गए जल्दी से बताइए इतना क्लियर हुआ आपको आते हैं नेक्स्ट पर तो जल्दी से आप क्लियर की एक मोहर लगाइए और कोई डाउट हो तो बता दीजिए सर ये रिपीट कर दीजिए तो हम फिर से रिपीट कर दें जल्दी से कमेंट में टाइप करिए कमेंट में बताइएगा कि क्लियर है इतना चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए क्रिएट ग्रुप कंपनी इसका यूज़ क्या होता है जब दो कंपनी होती हैं उन दोनों कंपनी को जोड़ करके एक कंपनी में बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक कंपनी हमने बनाई है ठीक है और अब हम क्या चाहते हैं कि वो दोनों कंपनी कंबाइंड हो जाए उन दोनों का डाटा मर्ज हो जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे क्रिएट ग्रुप कंपनी का यूज़ करेंगे ठीक है चेंज टैली वॉल्ट इसका यूज कंपनी के डाटा में कोई भी चेंजेस करने के लिए किया जाता है इसलिए किया जाता है कंपनी में किसी भी प्रकार का चेंजेस करने के लिए किया जाता है स्प्लिट कंपनी सॉरी ये थोड़ा सा आपका उल्टा हो गया चेंज टैली वॉल्ट इट इज यूज टू सेट द पासवर्ड इन योर कंपनी इट इज यूज टू सेट द पासवर्ड इन योर कंपनी अपनी कंपनी में पासवर्ड सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फिर से रिपीट कर रहे हैं चेंज टैली वॉल्ट का यूज़ क्या होता है कंपनी में पासवर्ड डालने के लिए यदि आप अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसमें पासवर्ड इंक्लूड कर सकते हो और पासवर्ड लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग याद रखिएगा स्प्लिट कंपनी डाटा का यूज़ कर सॉरी चेंज टैली वॉल्ट का यूज़ करते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा स्प्लिट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बांटना ठीक है जैसे मान लीजिए हमने ये टेबल बनाई पे ऐसे एक बॉक्स बनाया इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्प्लिट करना क्या कहते हैं स्प्लिट करना जैसे कंपनी का डाटा होता है एक साल का है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक का उसे छः छः महीने में या तीन तीन महीने में अलग अलग करना चाहते हो तो किस करोगे स्प्लिट कंपनी डाटा बैकअप और री ये दोनों एक साथ चलते हैं बैकअप क्या होता है किसी चीज़ की एक्स्ट्रा कॉपी ले लेना क्लियर है और रिस्टोर होता है यदि वो फ़ाइल डिलीट हो जाती है तो उस फाइल को वापस ला सकते हो मतलब उस कंपनी को वापस ला सकते हो यदि आपने किसी कंपनी का बैकअप ले लिया है और वो कंपनी डिलीट हो जाती है तो आप उसे रिस्टोर के द्वारा वापस ला सकते हो बट अगर आपने बैकअप नहीं लिया और उसको डिलीट हो जाती है तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो तो कंपनी की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाने के लिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं क्लियर है और अगर वो इन फ्यूचर करप्ट हो जाती है डिलीट हो जाती है ठीक है तो उसको वापस लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं रे स्टोर का यूज करते हैं क्लियर है एक है स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट लेजर यदि हमने कंपनी इन्फो सीख लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखते हैं वो आता है अकाउंट इन्फो कौन सा इन्फो अकाउंट इन्फो और उसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट लेजर ठीक है कई बच्चों को टैली में लेज़र क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होती थी ठीक है इसलिए कुछ जो लेज़र हम लोग बार बार यूज़ करते हैं कंपनी को ठीक है आ, किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने में ठीक है या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे पूरे 28 के 28 लेज़र नहीं यूज़ होते हैं या जैसे मान लीजिए आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं आप इंग्लिश स्पीकिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पीकिंग में जैसे एक्स हो गया तो कहीं कहीं रेयर केस में हम लोग एक्स का यूज़ करते हैं ठीक है इसी तरीके जब हम लोग लेज़र सीख रहे होते हैं तो लेज़र भी बनाते समय सारे लेज़र नहीं यूज़ होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र होते हैं जो बार 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 क्या होते हैं रिपीट होते हैं ठीक है तो दस बारह लेज़र हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं उनके बारे में डिफाइन करने वाले हैं पढ़िएगा जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो बताइएगा ठीक है तब तक आप लोग को कुछ कमेंट का बॉक्स दे रहे हैं इसको आप बताइएगा तब तक चलिए आप कमेंट में अकाउंटिंग वाउचर लिख रहे हैं उनके शॉर्टकट किस लिखिएगा वो किस लिए यूज होते हैं ठीक आप भी एक्टिव रहें हम भी एक्टिव रहें पहला वाउचर है एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट F9, control कंट्रोल प्लस control plus कंट्रोल प्लस लिखेगा कौन सा F4 किस लिए होता है F5 किसके लिए F6 किसके लिए F7, F8, F9, control F8, control कंट्रोल कंट्रोल ठीक है आपका वर्क समझ में आ गया आपको कमेंट में इनकी लिखनी है कि F4 किसकी शॉर्टकट कीज होती है F5 किसकी होती है F6 किसकी है F6 किस एफ सेवन किस की है ओके okay. लिखिएगा ताकि पता चल जाए कौन कौन क्लास में एक्टिव है जल्दी से करिएगा तब तक हम लोग लेज़र के बारे में भी एक तरफ हम बताते जा रहे हैं लिख रहे हैं जब तक हम तब तक आप भी लिखिएगा जब हम समझाने लगे तो कमेंट डालना बंद कर दीजिएगा सबसे पहले जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारा कैपिटल लेज़र कैपिटल अकाउंट दूसरा जो यूज़ करेंगे हम लोग वो सीखेंगे बैंक अकाउंट के बारे में क्लियर तीसरा सीखेंगे परचेज के बारे में परचेज अकाउंट चौथा सीखेंगे सेल्स अकाउंट के बारे में पांचवा सीखेंगे <coughs> संडी क्रेडिटर उंट अंडी डाइविटर अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेिस इनडायरेक्ट इनकम फिक्स्ड एसेट दसवा यहाँ लिख दे रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिखा कमेंट में आप लोगों ने ओके okay, वेरी गुड अंशुमन दीप्ति स्मृति आचल अंजलि गुप्ता वेरी गुड भजन संध्या चलिए अब आते हैं हम लोग इसके डिटेल के बारे में अब आप कमेंट ना डालिए अब आप पढ़िएगा कैपिटल अकाउंट कैसे पता चलेगा कि हम कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे ठीक है तो वैन द बिजनेस मैन स्टार्ट अवर बिजनेस देन द मेंटेन इन द कैपिटल अकाउंट ठीक सिंपल सा होता है और ये मोस्टली सबको पता चल जाता है जब एंट्री में क्या लिखा होता है स्टार्ट बिजनेस जब बिजनेस मैन अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो किस में मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट में किसमें जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में वैन द बिजनेस मैन स्टार्ट अवर बिजनेस पूरी एंट्री पढ़िए ठीक है जस्ट लाइक like मान लीजिए हमने कहा एम स्टार्टेड अवर बिजनेस विथ कैश टेन थाउजेंड रुपीज़ राधे प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट अवर बिजनेस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक अगर हिंदी में बात करें जैसे हम कहते हैं रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया एक लाख रुपए से ठीक है रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया एक लाख रुपए से तो जब भी हमने कहा उसने बिजनेस शुरू किया स्टार्ट किया तो उसका जो अंडर होगा कैपिटल अकाउंट होगा ठीक है और यहीं से हम लोग वाउचर भी निपटाते चलते हैं चलिए एफ फोर पे कॉन्ट्रा हो जाएगा एफ फाइव पे पेमेंट हो जाएगा एफ सिक्स पे रिसिप्ट हो जाएगा एफ सेवन पे जर्नल हो जाएगा एफ एट पर सेल्स हो जाएगा एफ नाइन पर परचेज हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ एट क्रेडिट नोट हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ नाइन टैबिट नोट हो जाएगा बच्चों क्लियर है ये सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहे हैं है अभी ठीक है तो अब इसको जरा मैच कराना चाहें ठीक है तो देखते हैं देखिएगा अगर इंट्री में क्या है स्टार्टेड बिजनेस और तो इसका वाउचर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा जनरल के साथ जाएगा क्लियर अब इंट्री में कहा सिया ने बिजनेस शुरू किया तो सिया ने में दे दिया अंडर में कैपिटल अकाउंट हो गया और वाउचर किस में चला गया जर्नल में चला गया क्लियर है और जर्नल में मेंटेन करते समय अगर हम करते तो याद रखना कैश हमेशा ऊपर आता है जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो हमेशा नीचे आ जाता है क्लियर आते नेक्स्ट लेजर पर इतना क्लियर हो गया बैंक अकाउंट वैन वी सबमिट अमाउंट वैन वी विदड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक जब हम पैसा किसी भी बैंक में जा कर के जमा करते हैं या किसी भी बैंक से पैसा क्या करेंगे निकाल रहे हैं किसी भी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या किसी भी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो उसका जो अंडर होगा वो क्या होगा हमारा बैंक अकाउंट समझ में आया जैसे लिखा है ही सबमिटेड द टू थाउजेंड रुपीज इन एस बैंक या ही विद्रॉ फाइव हंड्रेड रुपीज़ एस बैंक एस बैंक से पैसा निकाल रहा है या एस बैंक में जमा कर रहा है तो जो उसका अंडर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा बैंक अकाउंट होगा ठीक है तो इसको हम कैसे पता करेंगे जब पैसा बैंक में सबमिट हो रहा हो या विड हो रहा हो तो उसका जो अंडर लेंगे वो क्या लेंगे बैंक अकाउंट लेंगे जब पैसा बैंक में जमा हो रहा है या बैंक से निकाला जा रहा है ठीक है तो वो किस में जाएगा ठीक बैंक अकाउंट पे जाएगा अगर हमको लेज़र निकालना है इसका तो याद रखिएगा एंट्री में क्या मिल रहा है आपको सबमिट मिल रहा है विद्रॉ मिल रहा है तो बैंक का जो वाउचर बनता है जा करके वो किस में बनता है जा करके के एफ फोर कॉन्ट्रा वाउचर में बनता है किस में बनता है कॉन्ट्रा अगर पैसा बैंक में जमा हो रहा है बैंक से पैसा निकाला जा रहा है तो उसका जो वाउचर बनेगा वो किस में बनेगा कॉन्ट्रा में बनेगा कॉन्ट्रा में अगर दो चीज़ें आएंगी अगर सबमिट कर रहा होगा तो ऊपर बैंक लेंगे नीचे कैश लेंगे अगर पैसा विदड्रॉ कर रहा होगा तो ऊपर कैश लेंगे नीचे बैंक लेंगे ठीक छोटे से क्वेश्चन है ठीक अगर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कॉन्ट्रा में ठीक है दो चीज़ें होंगी एक होगा सबमिट और एक होगा विदड्रॉ सबमिट हो रहा होगा तो ऊपर बैंक आएगा नीचे कैश आएगा विदड्रॉ हो रहा होगा तो ऊपर कैश आएगा नीचे बैंक आएगा क्लियर है जल्दी से बताइएगा क्लियर है इतना अंशुमन फिर से बेटा भेजो एक कंफ्यूजन है जो कंफ्यूजन है क्या है कंट्रोल प्लस एफ नाइन क्या होता है डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट कीज़ होती है अभी उस वाउचर को अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे क्लियर हो जाएगा ठीक है होता है क्या है इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है डेबिट नोट की होती है और नोट मतलब होता है परचेस रिटर्न ठीक है परचेस रिटर्न सामान खरीदा और सामान वापस कर दिया ठीक है सामान खरीदा और सामान वापस कर दिया तो उस वाउचर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं डेबिट नोट का ठीक है थोड़ा सा और छोटा करो स्क्रीन कट कर रही एक बार रुकीगा हम रुके हुए हैं स्क्रीन चेक कर लीजिए थोड़ी सी इधर उधर कट रही है तो वो सेट हो रही हाँ अब पूरा बोर्ड क्लियर हो रहा है कुछ कट तो नहीं रहा आपके स्क्रीन पर चेक करिएगा एक बार वेरी गुड ये एक आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रखी है क्योंकि हमने देखा कई बच्चों को टैली में प्रॉब्लम हो रही थी ठीक है और उनके कन्फ्यूज़न को हमेशा इस तरह से दूर करने के लिए एक हमने वीडियो बना दे रहे हैं जब भी आपको टैली में कोई प्रॉब्लम हो या आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एक बार इस वीडियो को देख लेना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा एक डेढ़ घंटे का ये वीडियो होगा जिसमें पूरी अकाउंटिंग की फाइल हम पढ़ा देंगे ठीक है और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे क्लियर नेक्स्ट पे आते हैं जैसे यहाँ तक क्लियर हो गया आपका बैंक अकाउंट तक बैंक में पैसा जमा हो रहा होगा या निकाला जा रहा होगा तो बैंक में मेंटेन होगा बैंक के लिए अंडर बैंक हो जाएगा वाउचर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट में जब पैसा जमा कर रहे होंगे सपोज डैट मान लीजिए ये हमारे पास बैंक है और ये हमारा बैंक है और ये हमारा कैश है क्लियर है जब हम पैसा जमा कर रहे होंगे सबमिट कर रहे होंगे तो बैंक ऊपर आएगा कैश नीचे आएगा क्लियर लेकिन इसी का प्रोजेक्ट जब हम बैंक से जाके पैसे निकाल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा कैश ऊपर आ जाएगा बैंक नीचे आ जाएगा कैश ऊपर आ जाएगा बैंक नीचे आ जाएगा ठीक है ये ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिएगा एज ए एग्जाम्पल है ठीक अब आते नेक्स्ट पर परचेस मतलब आपको पता ही है परचेस मतलब क्या होता है खरीदना होता है क्या होता है खरीदना तो यदि किसी भी एंट्री में बाय लिखा है क्या लिखा है बाय लिखा है पॉट लिखा है परचेस लिखा है Clear? तो उसका जो अंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परचेज हो जाएगा किसी भी एंट्री में बाई लिखा है बॉट लिखा है परचेज लिखा है तो उसका जो अंडर होगा वो क्या होगा परचेज ठीक है और जब परचेज़ होगा परचेज की जो शॉर्टकट कीज है एफ नाइन तो वाउचर भी किसके पास चला जाएगा परचेज के पास जब हम परचेज़ का वाउचर सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है तो इसमें जो ऊपर नीचे लिया जाएगा आपका तीन चीज़ें ले सकते हो कैश बैंक पार्टी नेम और नीचे हमेशा परचेज गुड्स आ जाएगा ठीक परचेज और सेल्स दोनों एक ही जैसे होते हैं ठीक तीन चीज़ें ऊपर आएंगी या तो एंट्री में कैश लिखा है तो कैश को ऊपर लीजिए कैश नहीं है छोड़ दिया दूसरे पे क्या बैंक पे गए बैंक है तो ऊपर बैंक लीजिए कैश भी नहीं है बैंक भी नहीं है तो फिर पक्का उधार ले रहा है वो और जब उधार लेगा तो पार्टी का नाम आ जाएगा तीन चीज़ें हैं क्या कैश बैंक और पार्टी नेम ठीक है और जो सामान खरीद, खरीद रहा है गुड्स खरीद रहा है मोनिटर खरीद, खरीद रहा है फर्नीचर खरीद रहा है जो कुछ भी वो हमेशा नीचे आएगा क्लियर है ऊपर क्या आएगा कैश नंबर एक पे नंबर टू तो पे बैंक और नंबर थर्ड पे पार्टी का नाम अब हमको कैसे पता चलेगा कि कैश लेना है बैंक लेना है पार्टी का नाम लेना है तो जब आप इंट्री को अगर सही से पढ़ेंगे तो या तो उसमें कैश लिखा होगा ठीक है तो आप उसका मतलब कैश पे ले रहे हैं अगर कैश वर्ड कहीं पे पूरे ट्रांजैक्शन में ही है ये नहीं वहाँ पे तो फिर किसी ना किसी बैंक का नाम दिया होगा जैसे एस बी आई से ठीक है या पी एन बी से एच डी एफ सी से किसी भी बैंक का नाम होगा तो वो बैंक ऊपर आ जाएगा अगर कैश भी नहीं है और बैंक भी नहीं है तो फिर दिया होगा रोहन सोहन मोहन हरी सीता गीता रीता किसी से तो खरीद होगा उधार तो उस पार्टी के नाम को फिर ऊपर दे देते हैं क्लियर और जब यहीं से अगर एक ट्रिक और सीख लोगे जब परचेस करते हैं तो किसमें जाता है संडी क्रेडिटर पर जाता है ठीक दूसरा पेन लेते हैं लाइन वाला जो था पे जाता है संडी क्रेडिटर पर जाता है रोहन सोहन मोहन हरी सीता गीता से अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो इन पार्टी के नाम को सप्लायर कहेंगे और सप्लायर के नाम को मेंटेन करते, है? करते हैं संडी क्रेडिटर पर मेंटेन करते हैं सप्लायर का नाम किस में जाता है संडी क्रेडिटर पे जाता है याद आएगा संडी क्रेडिटर जब हम किसी व्यक्ति से किसी पार्टी से उधार सामान खरीदेंगे तो उस व्यक्ति या उस पार्टी के नाम को संडी क्रेडिटर में मेंटेन करेंगे और उसका जो वाउचर जब बनाएंगे जा करके तो वो किस में बनाएंगे जा करके के परचेज पे क्लियर है इसी तरीके सेल्स है आपका सेल्स मतलब होता है बेचना या तो सेल्स लिखा होगा एंट्री में ठीक है या तो सोल्ड लिखा होगा दो तो में से एक चीज़ लिखी होगी तब इसका बाउचर बनाओगे जा करके तो किस पे जाएगा सेल्स पे जाएगा क्लियर और जब सेल्स पे जाएगा तो याद रखिएगा फिर से भाई इस पे जो जाएगा वो किस पे जाएगा संडे डेबिटर पे जाएगा पे जाएगा सेल्स पे जाएगा संडे डेप्टर कस्टमर का नाम कस्टमर का नाम किसमें मेंटेन होगा हमारा संडे डैप्टर में जब हम किसी से उधार सामान बेच रहे हैं ठीक है हमने किसी को उधार भा सामान बेचा ठीक है तो उस व्यक्ति या उस पार्टी के नाम को हम किस में मेंटेन करेंगे संडी डैप्टर पे मेंटेन करेंगे लिखा है रिया को हमने पाँच सौ का उधार मोनिटर बेचा ठीक है तो मोनीटर हमारा सेल्स हो गया रिया हमारे संडी डैप्टर हो गई क्लियर और वाउचर जाके कि हम किस में मेंटेन करेंगे उसका सेल्स में मेंटेन कर देंगे क्लियर है इतना जल्दी से बताइएगा क्लियर हो गया इतना तो दो तीन और बच्चे बताते जल्दी से देखो एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है जब एंट्री में कोई भी पेड लिखा हो रेंट पेड कर रहा हो सैलरी पेड कर रहा हो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहा हो टेलीफोन का बिल पे कर रहा हो कुछ भी पे कर रहा होता है तो जो होता है वो खर्चों में आ जाएगा आप मेंटेन कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो जो इसका लेज़र ले जाएगा आपको वो ले जाएगा कहाँ पे पेमेंट वाउचर पे कहाँ पे ले जाएगा पेमेंट वाउचर तो याद रखिएगा पेड लिखा हो ठीक है लिखा हो ठीक डिपोजिट हो सबमिट हो तो ये किस में चला जाता है पेड पे चला जाता है ठीक है इसी तरीके इनकम हो रही होगी तो आपको रिसीव मिलेगा देखने के लिए या गेट लिखा होगा ठीक ये किस पे जाएगा आपका रिसिप्ट वाउचर पे जाएगा किस पे जाएगा रिसिप्ट वाउचर पे जाएगा ठीक है अगर उस एंट्री में लिखा है कि रिसीव हो रहा है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपको फीस मिल रही है आपको सैलरी मिल रही है ठीक है आपको कान के नीचे दो मिल रहा है ठीक है तो जो भी आपको मिल रहा है जैसे आप आते हैं ना ठीक नहीं याद करके आते हैं तो आपको क्या मिलता है याद है ना क्या मिलता है तो आपको जो वहाँ मिल रहा है वो आपके लिए एक इनकम है ठीक है क्या है आपके लिए <गए> एक इनकम है जो आपकी फ्यूचर में मदद करेगा तो रोज़ दो दो चार चार आपको दिए जा रहे हैं ठीक है तो वो आप क्या कर रहे हैं इनकम ले रहे हैं मुझे ठीक है तो जो कुछ भी मिल रहा है वो क्या है आपके लिए रिसीव हो रहा है गेट हो रहा है तो इनकम हो रही है और इनकम का वाउचर किस पे जाएगा रिसिप्ट पे जाएगा किस पे जाएगा रिसिप्ट पे अब जब पेमेंट और रिसिप्ट को मेंटेन करोगे तो इसमें भी वही प्रोसेस है ठीक है देखो कोई भी एंट्री करोगे तीन चीज़ें याद रखिए पहले पे कैश दिया जाएगा कैश नहीं है तो बैंक होगा तो बैंक का नाम आ जाएगा कैश और बैंक भी नहीं है तो नीचे फिर कोई ना कोई पार्टी का नाम होगा उस पार्टी का नाम आ जाएगा तीनों में से एक चीज़ को ऊपर रखते हैं इसी ऑर्डर पर प्रिफेरेंस देते हैं सबसे पहले कैश को ठीक है आप भी चाहते हो हम भी चाहते हैं नगद में पैसा आए ठीक है तो ऊपर कैश को मेंटेन करो कैश नहीं दे रहे हो तो भैया बैंक से दे दो, दो बैंक से नहीं दे रहे हो तो भैया कल दे देना कल दे दोगे तो मतलब उधार दोगे तो पार्टी का नाम सबसे नीचे पार्टी का नाम दिया जाता है अगर पार्टी का नाम है तो आप दीजिए नहीं है ठीक है कोई ना कोई एक नाम होगा पार्टी नहीं होगा तो बैंक होगा बैंक नहीं हो तो कैश होगा अगर तीनों मान लीजिए किसी एंट्री में हमने दे दिया आपको कैश भी है बैंक भी है और पार्टी का नाम भी है तब कैसे करोगे तो फिर प्रिफेरेंस किसको देनी कैश को देनी है किसको देनी है कैश को देनी है नंबर एक पे कैश नंबर टू पे आप बैंक और नंबर थ्री पे आप जाएंगे पार्टी क्लियर और नीचे जो भी चीज चीज का पेमेंट दे रहा हो सैलरी दे रहा हो तो नीचे सैलरी ले लो रेंट दे रहा हो तो नीचे रेंट दे दो बिल पे कर रहे हो तो बिल दे दो फीस दे रहे हो तो फीस दे दो जो भी आप पे कर रहे हैं उस चीज को आप नीचे दे, दे देंगे क्लियर है कॉन्सेप्ट एक आपका और बच्चा है फिक्स एसेस्ट फिक्स क्या होता है परचेस बट नॉट फॉर रीसेल बट नॉट फॉर रीसेल फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जो सामान खरीदा जाए लेकिन बेचा ना जाए अब आप कहोगे ये कौन सी बात हुई कि खरीदेंगे और बेचेंगे नहीं ठीक है तो क्या अपने घर पे रखेंगे ठीक समझिएगा जैसे मान लीजिए आपने एक मेडिकल स्टोर खोला क्लियर है या किसी मेडिकल स्टोर पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जब मेडिकल स्टोर ओपन हुआ होगा तो क्या क्या लेंगे फर्नीचर लेना पड़ेगा ठीक है जिसमें हम दवाइयों को रखेंगे एक काउंटर लगेगा चेयर होगी ठीक है सीजर्स का यूज़ करोगे ठीक है और मेडिसिन का यूज़ करोगे एक इतना सारा मटेरियल हम लेते हैं किसी एक शॉप के लिए मेडिकल स्टोर के लिए लेकिन आप बेचेंगे क्या क्या आप फर्नीचर बेच देंगे या चेयर बेच देंगे या काउंटर बेच देंगे या सीजर्स बेच देंगे ठीक है इनमें से कुछ बेचेंगे नहीं बेचेंगे बेचेंगे क्या आप मेडिसिन बेचेंगे क्या बेचेंगे मेडिसिन तो मेडिसिन हमारी एक करंट एसेस्ट है जबकि जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं चेयर यूज़ कर रहे हैं एसेकटर जो भी सामान हमने के लिए यूज़ कर रहे हैं बट हम उसको बेच नहीं रहे हैं ठीक है तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं फिक्स एसेट में मेंटेन करते हैं ठीक है और एसेट और ऑफिस डेकोरेशन एक अलग चीज़ है अब जैसे मेडिकल स्टोर के लिए हमने सजाने के लिए मान लीजिए कुछ कई सारी चीज़ें लगा ली वही सारी कई सारी चीज़ें लगाई हैं ठीक है जैसे प्लांट लगा दिया बैलून लगा दिए तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं ये फिक्स एसेट नहीं है सिर्फ वह सामान जो बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है ठीक है वो हमारा फिक्स एसेट है ठीक है और जो अन्य सामान खरीदे जा रहे हैं वो हमारे क्या है एक्सपेंसिस हैं जिन्हें हम खरीद करके बेच रहे हैं क्लियर जिन्हें हम खरीद करके बेच रहे हैं वो हमारा करेंट एसेट है तो जैसे फर्नीचर हो गया लैंड हो गया आपका बिल्डिंग हो गया ठीक है और मशीन हो गया ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड एसेट के तो इनमें से कुछ जैसे उसने कहा फर्नीचर खरीद रहा है ठीक है और अगर फर्नीचर बेच नहीं रहा है ठीक अब देखो अब जैसे आप फर्नीचर एक एग्जाम्पल है क्योंकि मान लीजिए फर्नीचर एक मेडिकल स्टोर वाले ने लिया है तब तो उसके लिए फिक्स्ड एसेस्ट है लेकिन वही फर्नीचर अगर फर्नीचर की दुकान वाले पे देखा जाए वो तो भैया फर्नीचर खरीद रहा हो फर्नीचर ही बेच रहा है तो फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेस नहीं हुआ उसके लिए उसके लिए क्या हो गया अगर वो फर्नीचर बना रहा है तो उसके लिए हथौड़ी कील ये सारा मटेरियल क्या होगा फिक्स्ड एसेस्ट होगा तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस किस चीज़ का है उसी के हिसाब से उसका फिक्स्ड डेस्ट और करंट एसेस्ट डिफाइन किया जाता है क्लियर लेकिन कुछ एग्जाम्पल है जैसे मोस्टली फर्नीचर यूज़ करते हैं हम लोग तो फर्नीचर किस पे आ जाता है मशीन किस पे आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट पे आ जाते हैं तो आप पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे अगर उसने फर्नीचर खरीदा और पूरे फर्नीचर को कहीं पर भी बेच नहीं रहा है इसका मतलब वो फर्नीचर कैसा है फिक्सड एसेस्ट है लेकिन अगर वो फर्नीचर खरीद करके बेच रहा है तो ये उसका मतलब परचेज में चला जाएगा करंट एसेस्ट में चला जाएगा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जब फिक्सड एसेस्ट आता है कि उसने फर्नीचर खरीदा तो नेम में ले लिया फर्नीचर अंडर हो गया फिक्स्ड एसेस्ट वाउचर किसका जाएगा ठीक तो फिक्स एसेट का वाउचर भी जाता है किसमें पेमेंट पे जाएगा किस पे जाएगा पेमेंट वाउचर पे जाता है किस पे जाता है पेमेंट वाउचर पे जाता है क्लियर है अब दो वाउचर बचे हैं। एक आपका क्रेडिट नोट और एक बचा है डेबिट नोट तो क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न इसका मतलब क्या होता है सेल्स रिटर्न जब बेचा हुआ सामान किसी भी कारण से वापस आ जाता है जब बेचा हुआ सामान किसी भी कारण से वापस आ जाता है तो उसे किस में मैंटेन करते हैं क्रेडिट नोट में ठीक बेचा हुआ सामान जैसे मान लीजिए हमारी किसी चीज़ की दुकान होती है या शॉप होती और हम आपको कोई मटेरियल दे देते आप उसको घर ले गए मम्मी ने मना किया पापा ने डाँटा और आप उस सामान को वापस ले आए कि सर ये ले लीजिए वापस ले लीजिए ठीक है हमको ये नहीं चाहिए या इसके बदले पे ये दे दीजिए या मेरा पैसा हमको वापस कर दीजिए तो जब बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आएगा तो हम उसको मेंटेन करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर पे मेंटेन करें क्लियर हुआ और डेबिट नोट का मतलब क्या होता है परचेज रिटर्न क्या होता है परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट हमने जैसे सामान खरीदा था अब अगर हम उसको सामान वापस कर रहे हैं तो हम किस में मेंटेन करेंगे उसको डेबिट नोट में सपोज डैट एग्ज़ाम्पल जैसा मान लो कल परसों नरसों में अभी होली आने वाली है ठीक है अब हमने कई सारी होली के सामान को लिया और एक दुकान लगा ली अब आप हमसे होली की कैप ले चले गए आपने कहा थोड़ी देर बाद आप आए आपने कहा सर ये तो डैमेज है हमको दूसरी कैप दे दीजिए ठीक है या इस कैप के बदले में हमको टी शर्ट दे दीजिए ठीक है या मुझको कलर दे दीजिए तो आपने जो सामान वापस किया वो मेरे लिए क्रेडिट नोट हो गया क्लियर अब वही डैमेज जो कैप थी हमने जहाँ सप्लायर से लिया था हम उसको वापस कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा डेबिट नोट तो अगर सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका है कंपनी इन्फो और अकाउंट इन्फो दो फाइलों में इस वीडियो को बार 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 रिपीट करके देखिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट एक अंडर एक वाउचर ठीक है ये मेन होता है टैली में आप मेंटेन करेंगे एक दो बार एंट्री करेंगे आप समझ जाएंगे लेकिन जब तक आप इन सारी चीज़ों को लर्न नहीं कर लेंगे ये ट्रिक नहीं समझ लेंगे तब तक आप इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसका क्लासिफिकेशन वही इजीली कर सकता है जो इसको अच्छे से याद कर लेगा इसको एक अच्छे से नोट्स में अपना टाइप करिएगा लिखिएगा बढ़िया सा और उसको लर्न करिएगा तब आपको टैली बहुत ईजी लगने लगेगी क्लियर है सत्तर लोगों को इसी वजह से टैली कठिन लगती है क्योंकि उनको एंट्री का क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आता है क्लियर है क्योंकि पहली पहली बार आप पढ़ रहे होते हैं ठीक है सबसे बड़ी बात अब आपने पहली बार सुना कॉन्ट्रा पेमेंट क्या होता है रिसिप्ट क्या होता है फिक्स एसेस्ट क्या होता है ठीक और उस चीज को जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे अच्छे से नहीं समझेंगे जब तक हमारी थोड़ी सी मैथ कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी वो क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा दो तीन बार देखिएगा ठीक है जितने भी टैली सीखने वाले बच्चे हैं ठीक है या टैली सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं कभी कभी फंस जाते हैं तो वो भी इन वीडियो को देखिए इस सारे वीडियो में अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका हमने क्लियर कर दिया है अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको पेटकल में भी हम एक दो दिन में प्रोवाइड करा देंगे विथ ट्रांजेक्शन्स ठीक है कि एक एक एंट्री को करना कैसे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताएं सर क्लियर है तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे हम लोग ठीक है तो जल्दी से बताएं इतना क्लियर है एक आने क्लियर है इतना से बताइएगा कमेंट में डन बिल्कुल हाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ठीक है हम हट जा रहे हैं ताकि पूरा स्क्रीन शॉट आपको मिल जाए लीजिए हो गया स्क्रीन शॉट ले लिया आपने ठीक है स्क्रीन शॉट ले लीजिए और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न हो वो पूछ लीजिए अभी पूछ लीजिएगा या क्लास में पूछ लीजिएगा ठीक है अभी पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए तो आज हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है याद रखिएगा आज की इस क्लास में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रखे थे सिर्फ हमने जैसा आपको बताया था कि जो 12 बजे वाली क्लास रहती है हम लोगों की उसमें हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक्स जो टॉपिक आपके फंस रहे हैं या क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या जो हमें लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम इस क्लास में क्लियर करेंगे और जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम लोग मिलेंगे शाम के ठीक है कितने बजे सवा आठ बजे तक मिलेंगे देंगे सवा आठ साढ़े आठ के बीच में मिल जाएंगे तो मॉर्निंग क्लास में इस तरह से कॉन्सेप्ट रहेंगे ठीक है जिसमें सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा और एक दो चार भले ऑब्जेक्टिव रख दें बाकी रेगुलर जो आपके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज प्रैक्टिस होगी वो शाम वाली क्लास में रखी जाएगी ठीक है तो शाम के मिलिएगा साढ़े आठ बजे ठीक है आज से ही क्लासेस शायद वो स्टार्ट कर देंगे तो मिलते हैं शाम के ओके गुड बाय अपना ख्याल रखिए इसकी जो क्लास टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आइए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए बस आपका एक काम है कि लोगों को इंक्लूड करिए डाटा हम आपको इतना अच्छा प्रोवाइड कराएंगे कि आप सोचेंगे कि बस अब पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है जिसको पढ़वाना है भी उसको भी यहीं भेजना है डाटा हमसे लीजिए शेयर आप करिए ओके बाय टेक केयर